Very good evening, everyone. My name is Shubham Singh Hania, and in this particular video, in this particular lecture, what we are going to do is, in continuation with our series for your preparation of ESIC Deputy Director Marketing subject. आज हम बात करने वाले हैं important 5 questions के बारे में from the topic product. तो जब भी हम marketing के बारे में बात करते हैं, तो the 4 P's of marketing are very important. That is product, price, place and promotion. तो इन सारे ही topics से जरूर questions आते हैं. तो आज इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस उठाएंगे जो कि प्रोडक्ट के टॉपिक के हैं, एंड आई एम वेरी श्योर कि प्रोडक्ट टॉपिक की काफी अच्छी क्लैरिटी आपको इस पर्टिकुलर सेशन से हो जाएगी. तो प्लीज डू वॉच दिस सेशन टिल द वेरी एंड. ठीक है, लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द लेवल ऑफ द प्रोडक्ट डील्स विद, लेवल ऑफ द प्रोडक्ट बताना है हमें, विद द एलिमेंट दैट एक्सीड्स कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट. मतलब प्रोडक्ट के काफी सारे लेवल्स होते हैं जिसमें उनको बनाया जाता है, जिसमें उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है. तो आपको बताना है कि कौन सा लेवल होता है जहां पे कस्टमर्स की जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो एक्सीड कर जाती है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट. मतलब कस्टमर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, बट इस तरीके का प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाता है, इस तरीके से फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं. अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, दैट द फीचर्स आर सच दैट इट एक्सीड्स द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर. ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ लेवल हैं. बेसिक प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, पोटेंशियल प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट एंड कोर बेनिफिट. ये 5 लेवल्स हमारे सामने प्रोवाइडेड है. आई विल नॉट जस्ट बी टेलिंग यू द आंसर, आई विल आल्सो बी एक्सप्लेनिंग ईच ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल, सो दैट इफ द क्वेश्चन गेट्स रिपीटेड या फिर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है, सो यू डू नॉट मेक एनी काइंड ऑफ मिस्टेक. अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में आंसर करिए. टिल द टाइम लेट मी क्विकली टेक यू टू दिस पर्टिकुलर डायग्राम वेयर आई विल बी एक्सप्लेनिंग द डिफरेंट 5 लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट. सबसे पहला लेवल क्या होता है? द कोर बेनिफिट. कोर बेनिफिट क्या, एक एग्जांपल से समझते हैं. लेट से कि व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज ट्रांसपोर्टेशन. मुझे एक कार खरीदनी है या फिर मेरे दिमाग में एक नीड आई दैट आई नीड समथिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन. मुझे ऑफिस जाने के लिए या वेरियस अदर काम के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है. ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी द वेरी कोर बेनिफिट दैट आई एम एक्सपेक्टिंग. ठीक है, जब एक कोर बेनिफिट या कोर नीड मेरे माइंड में आएगी तो आई विल ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट. तो जो जेनरिक प्रोडक्ट क्या होगा, वो कार हो सकता है. ठीक है, इट कैन बी अ टू व्हीलर और इट कैन बी समथिंग एल्स आल्सो. ठीक है, तो ये जेनरिक प्रोडक्ट क्या है कि जो उस पूरी नीड को सबसे बेसिक फॉर्म में कंप्लाई करता है या फिर उस नीड को सेटिस्फाई करता है. तो जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने जाते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, टीवी हो, एसी हो, तो सबसे बेसिक वर्जन जरूर आता है जिसके अंदर कोई एडिशनल फीचर्स नहीं होते. उसका सिर्फ और सिर्फ बेसिक फंक्शन क्या होता है कि आपकी उस पर्टिकुलर कोर नीड को सेटिस्फाई करना. ठीक है, सो दैट इज व्हाट जेनरिक प्रोडक्ट इज ऑल अबाउट. जब हम एक्सपेक्टेड लेवल के बारे में बात करते हैं, सो व्हाट वी आर सेइंग कि अगर कोई इंसान ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेक्ट कर रहा है और कार खरीद रहा है, सो व्हाट इज गोना एक्सपेक्ट कि भाई उसमें एसी तो जरूर होगा. इट इज गोइंग टू हैव कंफर्टेबल सिटिंग कैपेसिटी. ठीक है, एक सिटिंग कैपेसिटी कंफर्टेबल होगी. ये बेसिक एलिमेंट्स हैं जो वो एक्सपेक्ट करता है. बिकॉज अगर इसमें प्रॉब्लम आएगी, इफ द सीट्स आर नॉट कंफर्टेबल, एसी नहीं है, ठीक है, बहुत बेसिक जो एलिमेंट्स होते हैं जो कंफर्टेबल ट्रांसपोर्ट देते हैं, अगर वो प्रॉब्लम है उसके अंदर, देन इट इज सर्टेनली नॉट अ गुड प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये कौन से लेवल पे आता है? दिस इज इन अ एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ प्रोडक्ट एंड दिस इज एक्सपेक्टेड बाय द कस्टमर. नॉर्मली कस्टमर इसको नॉर्मल सिनेरियो में एक्सपेक्ट करता है कि ये सारी चीजें होंगी ही होंगी. ठीक है, देन वी हैव ऑगमेंटेड प्रोडक्ट. ऑगमेंटेड का मतलब ये कुछ एड ऑन किया गया, यू आर एडिंग ऑन समथिंग. तो हर बार हर कंपनी अपने प्रोडक्ट के साथ नए नए जब वर्जन्स निकालती है तो उसके दिमाग में एक माइंडसेट रहता है कि हम अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसी एडिशनल फीचर्स डालें, कुछ ऐसी एडिशनल चीजें डालें विच इज नॉट जनरली एक्सपेक्टेड बाय द कस्टमर. क्योंकि जब वो एक्सपेक्ट नहीं करेगा एंड तब उसको वो चीज प्रोवाइड करी जाएगी, दे विल बी वेरी हैप्पी कि यार इन्होंने कुछ नया प्लान किया. फॉर एग्जाम्पल, अब धीरे धीरे आप कार्स में देख रहे होंगे ऑटोमेटिक गियरिंग सिस्टम आ रहा है. ठीक है, कुछ में फ्रंट कैमराज एंड बैक कैमराज लगे होते हैं ताकि आप देख सकते हैं जब आप बैक कर रहे हैं अपनी कार्स को, तो आप देख सकते हैं कि पीछे कोई ऑब्स्टिकल या फिर हिंड्रेंस तो नहीं है. ठीक है, आई नो दैट दीज हैव कम इन टू अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स नाउ, बट स्टिल एक जनरल कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, बहुत सारी चीजें उसने एक्सपेक्ट नहीं की होती हैं एंड दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल. तो अगर उसको उसके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिल जाता है, सो दैट इन दैट स्टेज वी से दैट द प्रोडक्ट हैज रीच द ऑगमेंटेड लेवल. ठीक है, एंड द लास्ट वन इज पोटेंशियल प्रोडक्ट. जो होता नहीं है कि हम बैठ के एक ख्याली पुलाव बना रहे होते हैं कि यार कितना अच्छा होता, एंड प्रॉब्ली इन वेरी सून वी आर गोइंग टू हैव दैट कार, या प्रॉब्ली आ भी गई होगी फॉरेन कंट्रीज के अंदर कि इस तरीके की कार होगी, हमें अगर गियर चेंज करना है
तो हमें एक्चुअली कुछ भी मूवमेंट ना करना पड़े, वी कैन जस्ट गिव अ वॉइस रिकॉग्निशन काइंड ऑफ अ थिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर कि ऐसा हो सकता है, प्रोडक्ट आ भी गया हो मार्केट में। तो वॉइस रिकॉग्निशन के साथ ही आप बता सकते हैं, यू कैन गिव कमांड्स एंड अकॉर्डिंगली ब्रेक्स भी लग जाएंगे, अकॉर्डिंगली गियर्स भी चेंज हो जाएंगे एंड सो ऑन। मीन समथिंग विच इज नॉट येट देयर बट इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट माइट कम इन फ्यूचर। फ्यूचर में उस चीज की एक्सपेक्टेशन है, दैट बिकम्स योर पोटेंशियल प्रोडक्ट। अभी नहीं आया है बट इट हैज अ पोटेंशियल टू बी कन्वर्टेड इन द फ्यूचर। ठीक है, सो दीज आर द फाइव लेवल्स ऑफ द प्रोडक्ट। आई एम वेरी श्योर कि इन पांचों लेवल्स की क्लैरिटी आपको 100% आ गई होगी। नाउ जस्ट लेट मी गो बैक एंड आई एम वेरी श्योर आपने कमेंट सेक्शन में आंसर दे ही दिया होगा। सिंस इट इज रिटन कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट एक्सीड्स के बारे में बात कर रहे थे, सो देयरफॉर द आंसर इज गोइंग टू बी ऑगमेंटेड प्रोडक्ट विदाउट एनी डाउट। तो सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव अहेड टू द सेकंड क्वेश्चन। Consumers purchase these products with minimal effort and it includes some of the examples like staples, necessities, etc. Which type of goods or product that we are talking about? So, एक important topic आता है आपके product के chapter में, types of products. कितने कितने type के products हैं, classification किया गया है वहाँ पे. तो उसको हम इस question में समझने की कोशिश करेंगे that किस type का product होता है जहाँ पे customer सबसे minimal effort लगाने की कोशिश करता है. He wants कि बहुत ज़्यादा effort ना लगाना पड़े, कम से कम में काम हो जाए. ठीक है, शॉपिंग गुड्स, कन्वीनियंस गुड्स, स्पेशलिटी गुड्स या फिर ड्यूरेबल गुड्स। देखिए ड्यूरेबल गुड्स को तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं बिकॉज ड्यूरेबल गुड इज रिलेटेड टू द ड्यूरेबिलिटी की एक प्रोडक्ट कितना चलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम वेजिटेबल्स परचेज करते हैं तो दे आर पेरिशेबल इन नेचर। आज आप कोई वेजिटेबल लेके आएंगे फ्रिज में रखेंगे भी तो भी दो तीन चार दिन बाद खराब हो जाएगा। ड्यूरेबल प्रोडक्ट क्या होता है, लेट्स से टीवी हो गया जो कंपैरेटिवली लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए चलता है। द होराइजन ऑफ कंजम्पशन, द टाइम ऑफ कंजम्पशन इज वेरी वेरी लॉन्ग, अप्रॉक्सिमेटली 5 years या 10 years, ये टाइम पीरियड होता है, उसको हम ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। ठीक है, शॉपिंग गुड्स क्या होते हैं, जिसमें आप थोड़ा, मिनिमम नहीं, कंसिडरेबल टाइम शुड बी द कीवर्ड है जो आपको याद रखना चाहिए। आप कंसिडरेबल टाइम स्पेंड करते हैं शॉपिंग करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप अपने कपड़े लेने गए, शॉपिंग करने गए, ठीक है, आपने वहां पे क्लोथ्स लिए, आपने जीन्स ली, ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो थोड़ा सा रिलेटेड टू फैशनेबल एलिमेंट्स हैं, या अदर चीजें भी हो सकती हैं, बट यहाँ पे आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे इन ऑर्डर टू परचेज द प्रोडक्ट, तो शॉपिंग गुड्स आंसर नहीं हो सकता। स्पेशलिटी गुड्स क्या होता है, बहुत ही यूनिक आइटम। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप गोल्ड की कोई ज्वेलरी लेने गए या डायमंड की कोई ज्वेलरी लेने गए, सो यू आर गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा टाइम आप यहाँ पे स्पेंड करेंगे, तो ये हमारा स्पेशलिटी गुड होगा। कन्वीनियंस गुड क्या होता है, जिसमें आप बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते, आप जाते हैं और कहते हैं भाई मुझे है ना मिसवाक का टूथपेस्ट दे दो या फिर मुझे कोलगेट का टूथपेस्ट दे दो। यू स्पेंड मिनिमम टाइम इन द कंजम्पशन ऑफ दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द आंसर इज कन्वीनियंस गुड। एक और एलिमेंट हो सकता है कि आप इनको डेली बेसिस पे कंज्यूम भी करते हैं। ठीक है, सो सेकेंड इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू हैव मार्क्ड इट करेक्टली इन द चैट बॉक्स। मूविंग अहेड टू द थर्ड क्वेश्चन फॉर द डे, लॉन्ग लास्टिंग गुड्स दैट फैसिलिटेट डेवलपिंग और मैनेजिंग द फिनिश प्रोडक्ट एंड इंक्लूड्स इंस्टॉलेशन एंड इक्विपमेंट्स। देखिए मैं आपको क्वेश्चन में को सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। व्हेनेवर यू आर रीडिंग द क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू रीड इट ट्वाइस, एक बार मत पढ़ा करिए, दो बार पढ़ने की कोशिश करिए। सेकंड, ट्राई टू पिक आउट द कीवर्ड्स बिकॉज दोस कीवर्ड्स आर गोना हेल्प यू आइडेंटिफाई कि क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कीवर्ड क्या नजर आ रहा है, फैसिलिटेट डेवलपिंग और मैनेजिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट। मतलब दो कीवर्ड है, एक तो फैसिलिटेट करता है फिनिश प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है, और एग्जांपल्स भी दे दिया इंस्टॉलेशन एंड इक्विपमेंट, ये आपके दो एलिमेंट्स यहां पे इसमें दे दिए। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शन। कैपिटल आइटम्स, मटेरियल्स एंड पार्ट्स, सप्लाईज एंड अनसॉर्ट गुड्स, तो ये चार आपके सामने ऑप्शंस गिवन है। अनसॉर्ट गुड्स क्या हो गया, जिसको आप जनरली सॉर्ट आफ्टर नहीं करते, जिनकी आप जनरली एक्सपेक्टेशन या डिमांड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल फायर एक्सटिंग्विशर, आपको फायर एक्सटिंग्विशर की जरूरत तभी पड़ती है जब कोई इमरजेंसी होती है। एम्बुलेंस आप तभी मंगाते हैं जब कुछ बहुत ज्यादा इमरजेंसी होती है आपको विद रिस्पेक्ट टू समबडी इज इल या फिर किसी और रीजन की वजह से, तब आप अनसॉर्टेड गुड्स की डिमांड करते हैं, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। सप्लाईज क्या होता है कि जब आप कोई गुड मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं तो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ बहुत माइन्यूट एलिमेंट जो आपकी चीजों के प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं या फिर फिनिशिंग टच दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि अगर आप एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं एंड आप एक कार की मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो नट्स एंड बोल्ट्स हैं, जो नट्स एंड बोल्ट्स लगाए जाते हैं इन ऑल द स्पेयर पार्ट्स, मैं यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स की बात नहीं कर रहा, मैं उन छोटे छोटे नट्स एंड बोल्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ग्रीसिंग ऑयलिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, जो बेसिकली आपके प्रोसेस को स्मूथ बनाते हैं। अगर किसी भी स्पेयर पार्ट के अंदर से नट निकल जाता है सो इट डजंट फंक्शन प्रॉपरली,
ठीक है, तो सप्लाईज हमारे वो एलिमेंट्स हो जाएंगे, वो टाइप के प्रोडक्ट्स हो जाएंगे विच मेक थिंग्स मोर स्मूदर एंड प्रोसेस मोर कन्वीनियंट। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, नट्स एंड बोल्स हो गए, ऑयल्स हो गए, ग्रीस हो गए, ये सब एलिमेंट्स सप्लाईज की कैटेगरी में आएंगे। मटीरियल्स एंड पार्ट्स क्या होते हैं? मटीरियल एंड पार्ट्स आर नथिंग बट द रॉ मटीरियल। आप यहाँ पे रॉ मटीरियल्स के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार बना रहे हैं, सो बेसिकली विल बी टॉकिंग अबाउट द व्हील्स। व्हील्स क्या हो जाएंगे? हमारे मटीरियल्स एंड पार्ट्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है? फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, मतलब बनाने में हेल्प करते हैं। सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द मशीन्स। कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं विच आर गोइंग टू हेल्प यू प्रोड्यूस और फैसिलिटेट द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है, और लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो दे आर वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए उनको यूज किया जाता है, एंड दे कैन ओनली बी द कैपिटल आइटम। कैपिटल आइटम्स मशीनरी हो गई, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट्स हो गए, विच एक्चुअली हेल्प यू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फाइनल फिनिश गुड्स। एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है, इंस्टॉलेशंस एंड इक्विपमेंट। आई होप दिस इज क्लियर। कैपिटल आइटम इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द फोर्थ क्वेश्चन फॉर द डे। Dash of the product mix. Product mix is a combination of various elements that a customer demands and the seller sells in order to make sure that the customer is satisfied. Okay? Describes how closely related the various product lines are in the end use, production requirements, distribution channels or some other way. मतलब कौन सा element है product mix का? कौन से element के बारे में हम यहाँ पे discussion कर रहे हैं? The question is trying to seek up जिसमें कुछ ना कुछ similarity होती है. There is some kind of सिमिलैरिटी और दे आर क्लोजली रिलेटेड। ये हमारा यहाँ पे कीवर्ड बन गया। किसी भी फॉर्म में क्लोजली रिलेटेड हो सकते हैं, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स के फॉर्म में हो सकते हैं, कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज कर सकते हैं, या फिर किसी और फॉर्म में हो सकते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, आई थिंक बहुत ही कॉमन सा जेनरिक सा क्वेश्चन है। इज इट डेप्थ, इज इट विथ ऑफ द प्रोडक्ट, इज इट कंसिस्टेंसी और इज इट लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट? तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। एक एग्जाम्पल से समझेंगे बिकॉज इट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सो आई वॉन्ट यू ऑल टू पे अटेंशन वेरी केयरफुली। लेट से मैं टाटा का एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपको चीजों को समझाने के लिए, सो दैट बिकम्स इजियर फॉर यू। नाउ टाटा एज अ कंपनी बेसिकली हैज, लेट से फॉर एन हाइपोथेटिकल केस, तीन प्रोडक्ट लाइन के अंदर काम करता है। वन इज इन द इंश्योरेंस सेक्टर, एक इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर ये काम करते हैं, एक लेट से ये फाइनेंस सेक्टर के अंदर काम करते हैं, ठीक है, एंड तीसरा लेट से दे वर्क्स इन द कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। तीन जगहों पर ये काम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तीन बेसिकली प्रोडक्ट लाइन्स हैं इनकी, ठीक है। तो जब हम विथ के बारे में बात करेंगे, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट विथ, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस। कितनी प्रोडक्ट लाइंस के अंदर ये कंपनी काम कर रही है, ये इस कंपनी का विथ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इन आर केस द विथ इज गोइंग टू बी 3। अगर हमसे पूछ लिया जाए, दो इतने टेक्निकली न्यूमेरिकल में नहीं जाते हैं वो, बट अगर पूछ लिया जाए तो विथ क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर? 3 हो जाएगी, बिकॉज दे आर टेक्निकली 3 प्रोडक्ट लाइन्स विच आर देयर। ठीक, डेप्थ के अगर बारे में बात करें तो डेप्थ का मतलब क्या है? समथिंग वेर यू गोइंग इनटू मच मोर डिटेल, ठीक है। सो लेट्स से कंज्यूमर गुड्स के अंदर बात करें कि एक प्रोडक्ट है, लेट्स से एक्स वाई जेड, ये हमारे प्रोडक्ट का नाम है एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड जो प्रोडक्ट है वो तीन टाइप का आता है, देर आर 3 टाइप्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट आ ही सकता है, अलग अलग वेरियंट्स होते हैं प्रोडक्ट के, ठीक है, एंड तीन टाइप्स के साथ तीन साइजेस में भी आता है, ठीक है। सो तीन टाइप्स हैं उसके, ए बी सी, एंड देन देर आर 3 साइजेस ऑल्सो। तो बेसिकली क्या हो गया? 3x3। तो बेसिकली अगर हमसे डेप्थ पूछी जाए कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डेप्थ क्या है, डेप्थ क्या है, द आंसर इज गोइंग टू बी 9। तो डेप्थ इज नथिंग बट द नंबर ऑफ वेरिएशंस इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। एक प्रोडक्ट के अंदर कितनी वेरिएशंस निकल के आएंगी वो हमारा डेप्थ बन जाएगा अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। तो इसी तरीके से जिस भी प्रोडक्ट लाइन की हमसे डेप्थ पूछी जाए वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है लेंथ। लेंथ क्या क्या मतलब है? जब लेंथ ऑफ प्रोडक्ट मिक्स पूछा जाए, देखिए दो चीजों में डिफरेंस करिएगा। लेंथ ऑफ प्रोडक्ट मिक्स पूछा जाए मतलब पूरे के पूरे प्रोडक्ट मिक्स के अंदर कितनी लेंथ है, इसका मतलब है द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर देयर इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है। लेट्स से कि ये एक पूरा पूछा जाए कि भाई टाटा कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स क्या है, जल्दी से हमें बता दीजिए। तो इन तीन प्रोडक्ट लाइन में मिला के जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स निकल के आएंगे, लेट से 10 आपके पास प्रोडक्ट इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर हैं, 10 आपके पास फाइनेंस के अंदर हैं, एंड 15 प्रोडक्ट्स आपके पास कंज्यूमर गुड्स के अंदर है, मतलब 10 + 10 + 15, द आंसर इज गोइंग टू बी 35। तो जो लेंथ ऑफ प्रोडक्ट मिक्स निकल के आएगा दैट इज गोइंग टू बी 35।
ये भी हो सकता है कई बार एक एक क्वेश्चन ट्विस्ट करने के लिए आपसे पूछ लिया जाता है, अगर सिर्फ कंज्यूमर गुड्स के अंदर आपसे पूछा जाए लेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन क्या होगा, ठीक है, तो आप कंज्यूमर गुड्स के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं उनको टोटल कर सकते हैं। ये अलग अलग बुक्स में कई बार अलग अलग तरीके से दिया होता है, बट ब्रॉडली लेंथ का क्या मतलब है कि पूरी कंपनी के अंदर टोटल प्रोडक्ट्स को अगर जोड़ दिया जाए, सारे प्रोडक्ट्स को अगर एग्रीगेट कर दिया जाए तो कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स या आइटम्स कंपनी मैन्युफैक्चर या सेल कर रही है, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी योर लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट। आप कंसिस्टेंसी, जैसे कि एक जेनेरिक टर्म दिया हुआ है कि अगर हम दो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं ऑटोमोबाइल की, अगर आपको ऑटोमोबाइल का थोड़ा सा भी याद है, तो जब आप कार्स परचेज करने जाते हैं तो हमेशा कार वाले क्या सेल करते हैं, जो भी सेलर्स होते हैं, सेल्स पर्सन होते हैं, दे ऑलवेज ट्राई दैट यू ऑल्सो टेक इंश्योरेंस फ्रॉम देम ओनली, वो आपको साथ के साथ कार्स के इंश्योरेंस देने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ कार्स, यहाँ पे व्हीकल्स की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल इंश्योरेंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जो कार्स हैं प्लस जो व्हीकल का इंश्योरेंस है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है या सेलिंग नेटवर्क है उसमें कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी है, दे आर गोइंग टू बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी कंसिस्टेंसी। आई होप आपको डेप्थ विथ लेंथ एंड कंसिस्टेंसी चारों अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ लीजिएगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव अहेड टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। द लेवल ऑफ द प्रोडक्ट पैकेजिंग यूज्ड मोस्ट ऑफन बाय वेयर हाउसेस टू शिप द प्रोडक्ट टू द रिटेलर और होलसेलर इज टर्म्ड एज डैश। तो जब आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो इन ऑर्डर टू मेक द प्रोडक्ट सेलेबल इन द मार्केट, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वेरियस रेन्स एंड वेरियस अदर एस्पेक्ट्स, एनवायरमेंटल केसेस से बचाने के लिए आप उसमें पैकेजिंग करते हैं, एंड उसमें लेवल्स ऑफ पैकेजिंग होती है इन ऑर्डर टू सिक्योर द एक्चुअल प्रोडक्ट, ताकि प्रोडक्ट खराब ना हो पाए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से लेवल ऑफ पैकेजिंग के अंदर हम यूज करते हैं, जहां पे वेयर हाउस से रिटेलर या रिटेलर या होलसेलर के पास प्रोडक्ट भेजने में काम आता है, तो कौन सा लेवल वहां पे यूज होगा, ये आपको बताना है यहाँ पे। इज इट अ प्राइमरी लेवल, इज इट अ सेकेंडरी लेवल, इज इट अ टर्शियरी लेवल, और इज इट एन एनी ऑफ द अबव, इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये चार आपके पास ऑप्शन है। एक छोटा सा डायग्राम है हमारे पास इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड थिंग्स। तो प्राइमरी पैकेज क्या हो गया, एक लेट से ग्रीन पीज है, तो ये उसका बहुत ही डायरेक्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग है, जिसको आप खोलेंगे एंड डायरेक्ट आप पीस को कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पीस होते हैं ये एक छोटे से बॉक्स में डाले जाते हैं, जिसको हम सेकेंडरी पैकेजिंग कहते हैं। प्रॉब्ली इसके अंदर अगर हम ध्यान से गिने तो 3+4 बेसिकली 12 कैंस हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी पैकेज हो गया, जो इमीडिएट यूज के लिए यूज कर सकते हैं आप। ये हमारा सेकेंडरी पैकेज हो गया, जहां पे एक छोटे से बॉक्स के अंदर 12 कैन डाले गए हैं, एंड ये बड़ा सा, आप देखिए कभी कोई रिटेलर मंगाता है या होलसेलर मंगाता है तो सेकेंडरी पैकेजिंग जनरली नहीं यूज की जाती, बिकॉज बड़ा सा कार्टन यूज किया जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे सेकेंडरी पैकेजेस के एलिमेंट्स डाले जाते हैं, ठीक है। तो टर्शियरी पैकेजिंग क्या होता है, जो एक्चुअली फाइनल टाइप का पैकेजिंग है, फाइनल लेवल ऑफ पैकेजिंग है, जो प्रॉपर सिक्योर कर देता है उसको, ताकि वो कहीं भी ट्रांजिट करते टाइम जब आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसको फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द होलसेलर और रिटेलर, तो वो खराब ना हो, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी द ट्रांजिट पैकेजिंग, और इसी ट्रांजिट पैकेजिंग को टर्शियरी पैकेजिंग भी कहते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर द आंसर इज गोइंग टू बी थर्ड, दैट इज टर्शियरी पैकेजिंग। आई होप दिस इज क्लियर, ध्यान रखिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लगातार मेरी वीडियोस देख सकें। दैट वॉज ऑल, थैंक यू एंड बाय बाय।